सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं नील चणकनीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो माध्यम से हम करेंगे हरियाणा के विभिन्न शहरों के उपनाम, जो काफ़ी बार हरियाणा के प्रवेशी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में हरियाणा के विभिन्न शहरों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, इस वीडियो का अगर आप पूरा देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। वीडियो आपने पूरा देखना, फर्स्ट टाइम वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखने में काफ़ी इजी लगेंगे, लेकिन हर बार हरियाणा के प्रवेश एग्जाम में हरियाणा के विभिन्न शहरों के उपनाम से रिलेटेड अगर HSC क्वेश्चन पूछती है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे आता ही आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। देखने में काफ़ी इजी है। अगर आपने ये पहले याद किए हैं तो इस वीडियो माध्यम से आपका रिविजन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। दान का कटोरा किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा दान कहाँ पर होती है? करनाल में। नेक्स्ट आता है कर्ण नगरी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? करनाल को कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो करनाल से रिलेटेड यानी करनाल शहर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि हर बार HSC जो प्रवेश एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है इनसे रिलेटेड ही आगामी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अगर करनाल से रिलेटेड यानी करनाल के विभिन्न उपनाम पूछे तो इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपको आपसे देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है और वीडियो आपने पूरा देखना है। तो नेक्स्ट आता है विज्ञान नगरी। विज्ञान नगरी या विज्ञान सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अंबाला को विज्ञान नगरी या विज्ञान सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है उपकरणों का शहर। उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप हरियाणा के HSC या ग्राम सचिव का जो भी एग्जाम नेक्स्ट आगामी परीक्षा होंगी, अगर उनसे रिलेटेड अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रवेश एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं वो इस चैनल पर आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए जो अगला पार्ट है इस वीडियो का आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो आपने पूरा देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उपकरणों का शहर अंबाला को कहा जाएगा। अप्रेंटिस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अंबाला को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भी HSC ग्राम सचिव की परीक्षा होगी। अप्रेंटिस सिटी किसे कहा जाता है? तो अप्रेंटिस सिटी अंबाला को कहा जाता है। आंबू का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है। तो इसमें एक नया क्वेश्चन निकल के आया है, अप्रेंटिस सिटी। तो अप्रेंटिस सिटी के नाम से जाना जाता है अंबाला को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे याद कर लीजिएगा। जो प्रवेश एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, आंबू का शहर, ये तो आपने वैसे ही याद करने हैं। तो अप्रेंटिस सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने अवश्य याद करना है, आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, साइबर सिटी या साइबर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। मेडी सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। मनोरंजन सिटी के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, ये एक नया क्वेश्चन है जो हरियाणा की आगामी परीक्षा होंगी HSC ग्राम सचिव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, मिलेनियम सिटी, ये काफ़ी बार हरियाणा के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? तो मिलेनियम सिटी या मिलेनियम नगरी किसे कहा जाएगा? गुरुग्राम को कहा जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षक गाँव, तो दो गुरुग्राम से के जो उपनाम है ये काफ़ी बार एग्जाम में वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी और साइबर सिटी, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो आगे आगामी परीक्षा होंगी HSC ग्राम सचिव पटवारी, केनाल पटवारी, जो भी आगामी परीक्षा होंगी, अगर गुरुग्राम से रिलेटेड जो भी उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, आध्यात्मिक शिक्षक गाँव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपने नोटबुक में राइट करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है आगामी परीक्षा के लिए। अगर आप हरियाणा के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। और आध्यात्मिक गाँव शिक्षक गाँव किसे कहा जाएगा? गुरुग्राम को। और वैसे प्रवेश एग्जाम में ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये तो आपको याद करने ही है। तो नेक्स्ट आता जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, खनिज नगरी या खनिज बहुलक प्रदेश, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि खनिज नगरी या खनिज बहुलक प्रदेश किसे कहते हैं? तो महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी या खनिज बहुलक प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हरियाणा के किसी भी जिले का उपनाम जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है हरियाणा के प्रवेश एग्जाम में या जो भी आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कानोड
किस जिले को कहा जाता है, तो कन्नौड़ महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ये हर बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार प्रवेश एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हम वीडियो के माध्यम से हरियाणा जीके या इंडिया जीके के जो प्रवेश एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन वो लेके आते रहते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो अगली वीडियो हो आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्दी आपके बीच में लेके आएंगे, तब तक आपको इंग्लिश की वीडियो मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, धर्मनगरी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, और वैसे भी सभी को मालूम है कि धर्मनगरी किसे कहा जाता है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ पर कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ, धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। तो ये तो वैसे भी याद होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन भी हर बार HSC पूछती है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो सभी क्वेश्चन ईजी होते हैं। सिटी ऑफ पार्क्स, ये आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जा सकता है। तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो तीर्थराज कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आपके बीच में हम जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम जो हरियाणा के विभिन्न शहरों के उपनाम है वो सभी कवर करवा देंगे। तो नेक्स्ट आता है वैदिक सभ्यता का पालना, यह भी काफ़ी बार हरियाणा के प्रवेश एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और आगामी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को, और तीर्थराज किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि कुरुक्षेत्र से रिलेटेड अगर उपनाम पूछे गए तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड HSC हर बार क्वेश्चन पूछती है। अगर आप प्रवेश एग्जाम उठाएंगे और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इनमें से क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा। श्रीकंठ जनपद किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। तो आज की वीडियो है जो आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है कि कैसी लगी, और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बीच में लेके आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हरियाणा के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, भिवानी को, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, भिवानी को। भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है, भिवानी को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन। छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, भिवानी। और नेक्स्ट आता है लिटिल सिटी, तो लिटिल सिटी किस या लिटिल क्यूबा किसे कहा जाता है, लिटिल क्यूबा या लिटिल सिटी किसे कहा जाता है, भिवानी को। नेक्स्ट आता है सिटी ऑफ वार हीरो, ये आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिटी ऑफ वार हीरो यानी सिटी ऑफ वार हीरो किस शहर को कहा जाता है, भिवानी को। सिटी ऑफ वार हीरो कहा जाता है धर्मराथ न्यासों का शहर, किसे कहा जाता है, भिवानी को। नेक्स्ट आता है राजपुताने का सिंधवार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। सिटी ऑफ वार हीरो, धर्मराथ न्यासों का शहर, राजपुतानों का सिंधवार, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आगामी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। एचटेट ग्राम सीयू, ये एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, अगर आप हरियाणा के इन एग्जाम को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। राजपुतानों का सिंधवार, धर्मराथ न्यासों का शहर, सिटी ऑफ वार हीरो किसे कहा जाएगा, भिवानी को। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी या इस्पात नगरी, या मैग्नेट नगरी या स्टील नगरी या इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, इन शहर को। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हर बार मैं बोलता हूँ कि हम आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन ही हर वीडियो में लेके आते हैं, ताकि जो प्रवेश एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आगामी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो आपको आसानी से याद हो। अगर एग्जाम से पहले हमारी वीडियो देखते हैं तो आप कन्फर्म ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। औद्योगिक नगरी, मलिन बस्तियों का शहर किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी हम आपके बीच में अगला पार्ट इस वीडियो का लेके आएंगे।